आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। नमस्कार, श्री महाकाल लोक टीवी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं ताज़ा खबरों पर। नगर की गोगोरी गोशाला संवर्धन केंद्र में राजस्थान, यूपी और मध्य प्रदेश के गो चेतना प्रभारी गौतम बैरागी तराना पहुंचे। इस अवसर पर तराना गोरक्षा दल के सदस्य शेरू जाट और अन्य कार्यकर्ताओं ने बैरागी का पुष्प माला पहनाकर और साथ ही दुपट्टा उड़ाकर स्वागत किया। इस दौरान गो चेतना प्रभारी बैरागी ने बताया है कि वो गो माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए जिले, तहसील और ग्राम स्तर पर अभियान चला रहे हैं। साथ ही हर कहीं गायों की रक्षा के लिए संकल्पित युवाओं की टीम गठित कर रहे हैं। उन्होंने गो माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए पूर्व में केंद्र सरकार को अपने खून से एक पत्र लिखा है। इस मौके पर गो गोरी गोशाला के पवन उपाध्याय, तुषार नेरनिया, आदित्य परमार, प्रणय जोशी, विनायक गर्ग, राहुल नेरनिया, लल्ला खरे आदि मौजूद रहे हैं। तो मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ उस मध्य प्रदेश की तराना धरती को, और धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ मेरे सभी गौ सेवकों को। तीसरी ओर कहना चाहता हूँ कि मेरे पीठ पीछे जो मेरे बड़े भाई हैं वो राजस्थान की धरती से हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं राजस्थान के निवासी हूँ, मेरा नाम गौतम बैरागी, भारतीय गोवंश पर्यावरण समिति के मैं मध्य प्रदेश यूपी के संरक्षक को प्रभारी हूँ। दूसरी ओर कहना चाहूँगा कि जहाँ पर हर विधि विधान से हर एक्टिविटी को सिखाया जाता है, कुछ अनुभव मुझे यहाँ पर प्राप्त हुआ। आपने देखा होगा कि मैं गौ माता को राष्ट्रीय माता दर्जा दिलाने के लिए हर गांव गांव ढांडी ढांडी जाता हूँ, हर कार्यकर्ता को जगाता हूँ और जगह जगह कर उनको कहता हूँ कि गौ माता के लिए जागो, गोवंश के लिए कुछ कार्य करो। जिस तरीके से आप बता रहे हैं आपके दौरे होते रहते हैं अन्य जगहों में और तराना में, क्या आपको अलग से लगा, क्या क्या चीज़ दिखी आपको? अन्य जगह में मैं जाता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि मैं कहीं गया हूँ, लेकिन यहाँ पर आने के बाद मुझे पता पड़ रहा है कि मैं एक परिवार का बेटा हूँ। यह मुझे यहाँ के वातावरण से लगा, और जैसे लठाधीश्वर हुआ करते हैं हमारे हाड़ौती क्षेत्र में, उसी प्रकार से ये सेना है जो गोवंश को बचाती है। अभी 5 मिनट पहले इन मेरे आदरणीय भाई साहब के पास जो गोरक्षक हैं तराना से, इनके पास एक मुस्लिम भाईजान का फोन आया। इट्स मीन मुस्लिम भाईजान भी ये चाहते हैं कि गौ माता की सुरक्षा हो, और इन्होंने गोवंश को अभी लेटेस्टली बचाया है। जिस तरीके से गौ माताओं के, जैसे रोड पे हम देखते हैं अमूमन रोड पे घूमती रहती हैं, तो एक एक अभियान आपके हिसाब से क्या नहीं चलना चाहिए कि गौ माता के प्रति लोगों में जागरूकता आए? कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें खाने में आ जाती हैं जिससे गौ माताओं को नुकसान होता है, मृत अवस्था में हो जाती हैं, उसके लिए क्या जागरूकता लाना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? हर गोवंश प्रेमी और जो गौ माता को समझता है, जो गो व्यक्ति होता है जिसमें 36 करोड़ देवी देवता होते हैं गोवंश में, वो व्यक्ति जिस दिन अपने मन से ये मान ले कि हाँ मुझे अपनी माँ की जिस प्रकार से मैं रक्षा कर सकता हूँ उसी प्रकार से गौ माता की रक्षा करें, हर व्यक्ति जागरूक होगा तो गौ माता की हत्या नहीं होगी। और जो बुच्चड़खाने चलाते हैं उनको मैं आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहूँगा कि बुच्चड़खानों को अब बंद करो, क्योंकि हर व्यक्ति अब जाग गया है और गौ माता को बचाने की कोशिश कर रहा है, और शीघ्र ही गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिलेगा। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहे श्री महाकाल लोक टीवी पर। नमस्कार।